नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शापित कथाएं में। दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सबके बीच हाजिर हूँ एक नई भूतिया कहानी लेकर। तो चलिए ज्यादा समय ना गंवाते हुए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। रात के समय कार धक्के खाते हुए रुक गई और उसमें से आरव नीचे उतरा और घड़ी देखी। उस वक्त रात के ठीक 9 बज रहे थे। फिर उसने कार का बोनट खोला और उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। आरव ने कॉल कर मदद मांगनी चाही, पर फोन में नेटवर्क का नामो निशान नहीं था। फिर उसने गाड़ी की पिछली सीट पर सोई हुई अपनी पत्नी मिताली को आवाज दी। मिताली, अरे ओ मिताली, उठो जल्दी से, हमें आज की रात किसी गेस्ट हाउस या होटल में बितानी होगी, क्योंकि गाड़ी खराब हो गई है और अब मैकेनिक के बिना ठीक नहीं होगी। हमेशा की तरह मिताली नींद में ही बड़बड़ाते हुए उठी। आरव यार, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता, कब से बोल रही हूँ, ये तुम्हारी पुरानी खटारा बेचकर कम से कम एक सेकेंड हैंड कार तो ले लो। जवाब में आरव बोला, खरीद लेंगे माता रानी, अब अपना बैग उठाओ और चलो कहीं रात गुजारने का जुगाड़ करते हैं। फिर दोनों जंगल की एक कच्ची सड़क छोड़ के मेन हाईवे पर आ गए। उसी वक्त उन्हें जंगल में दूर कहीं से भेड़ियों के रोने की आवाजें आने लगी। वो भेड़ियों की आवाजें उस काली रात को और भी डरावना बना रही थी। दोनों लगभग आधा घंटा चलते रहे, पर उन्हें ना कोई लिफ्ट मिली और ना कोई होटल। मिताली बोली, आरव तुम्हारे बेवकूफ दोस्त मिंटू ने ये कैसे वीराने में फार्म हाउस खरीद रखा है। इस बात पर आरव कुछ कहता उससे पहले ही आसमान में जबरदस्त बिजली कड़की। उस आवाज से डरी हुई मिताली आरव के सीने से लिपट गई। उस वक्त आरव के चेहरे पर एक मुस्कान चमक गई थी, तेज बारिश के आसार नजर आने लगे थे। तभी चलते चलते बिजली की चमचमाती तेज रोशनी में उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी। वो दोनों तेजी से दौड़ते दौड़ते उस हवेली के नजदीक पहुंचे। हवेली के गेट पर उन्हें कोई वॉचमैन नजर नहीं आया, इसलिए वो दोनों गेट खोलकर हवेली के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजे पर डोरबेल के नाम पर एक पुरानी रस्सी किसी सांप की तरह लटक रही थी। उस रस्सी को आरव ने 2-3 बार खींचा, लेकिन अंदर से किसी भी घंटी की आवाज नहीं आई। फिर मिताली ने दरवाजे पर खटखटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा ही रही थी, उससे पहले ही अंदर से एक भारी आवाज आई, अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। उन दोनों को ये बात अजीब लगी, क्योंकि अंदर से किसी भी घंटी की आवाज नहीं आई थी और ना ही उन दोनों ने कोई आवाज की थी। फिर वो दोनों दरवाजा खोलकर अंदर गए। दरवाजे के ठीक सामने झूले पर बैठकर एक आदमी शाही अंदाज में सिगार पी रहा था। उन्हें देखते ही आरव बोला, सर हम यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर हमारे दोस्त का फार्म हाउस देखने जा रहे थे, पर बीच रास्ते में हमारी कार खराब हो गई और मदद बुलाने के लिए मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है, क्या हम आपके फोन से कॉल कर सकते हैं। झूले पर बैठे उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसने कहा, जरूर करिए, टेलीफोन ऊपर आखिरी कमरे में है। आरव ने उन्हें पहले अपना परिचय देना उचित समझा। उसने कहा, मेरा नाम आरव है और ये मेरी पत्नी मिताली। जवाब में वो आदमी बोला, मेरा नाम दादा ठाकुर है और मैं इस हवेली का मालिक हूँ। आरव और मिताली हवेली की शान ही देखते रहे कि उनकी नजर दादा ठाकुर के पीछे वाली दीवार की सबसे बड़ी फोटो फ्रेम पर पड़ी, जो खाली थी, और पूरे घर में तस्वीरें ही तस्वीरें थी। उन सब में एक बात समान थी कि किसी भी तस्वीर में कोई भी हंस नहीं रहा था, सभी तस्वीरें बिल्कुल भी भावनाहीन थी। फिर आरव और मिताली दोनों ऊपरी मंजिल पर गए और आखिरी कमरे में जाकर लैंडलाइन से अपने दोस्त मिंटू को कॉल करने लगे। बहुत बार कोशिश करने पर भी फोन नहीं लग रहा था। तभी मिताली की नजर उस दीवार पर पड़ी और वहां एक फोटो फ्रेम टंगी थी, उसमें भी कोई तस्वीर नहीं थी, सिर्फ खाली फ्रेम। उन्हें ये बात थोड़ी अजीब लगी। फिर दोनों नीचे गए और दादा ठाकुर से बोले, आपके लैंडलाइन से फोन नहीं लग रहा है। दादा ठाकुर बोले कि यहाँ की फोन लाइन में हमेशा गड़बड़ी रहती है, दोबारा से प्रयास करो, या फिर चाहे तो आज की रात आप दोनों यहीं रुक जाइए। मिताली और आरव कमरे में जाकर फिर कॉल लगाने की कोशिश करने लगे, पर सब बेकार। आखिर में दोनों ने रात को वहीं रुकने का निर्णय लिया। बेड पर लेटते ही दोनों की आंख लग गई। रात के करीब 1:30 बजे आरव की नींद अचानक से खुल गई और वो एक बार फिर से अपने दोस्त को फोन लगाने लगा, लेकिन उस वक्त फोन पूरी तरह डेड था। हाथ से फोन नीचे रखते हुए आरव की नजर दीवार पर गई और सामने का नजारा देखकर उसके चेहरे पर से हवाइयां उड़ गई, क्योंकि कुछ घंटों पहले देखी हुई खाली फ्रेम में अब उन दोनों की तस्वीर थी और उसके नीचे लिखी थी उनकी मौत की तारीख। उसने मिताली को उठाया
और उसे तस्वीर दिखाई। वो बोली, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है आरव, हमें अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलना होगा। फिर दोनों ने वहां से सरपट दौड़ लगाई। सीढ़ियों से वो दोनों तेजी से नीचे उतरने लगे, पर उतरते वक्त सीढ़ियों पर उन्हें चार पैरों की जगह छह पैरों की आवाज आ रही थी। अब वो दोनों काफी डर चुके थे, कुछ भी करके उन्हें बस दरवाजा खोल के बाहर भागना था। पर दरवाजे के पास पहुंचने के बाद जब दोनों ने उसे खोलने की कोशिश की, पर उनकी कोशिश नाकाम रही, क्योंकि दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया था और अब वो दोनों उस भुतहा हवेली में कैद हो चुके थे। आरव और मिताली दरवाजा पीट रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उसी वक्त बदकिस्मती से बिजली चली गई और मौत ने अंधेरे की चादर से सब कुछ ढक लिया और चारों तरफ शमशान का सन्नाटा फैल गया। मिताली अपने कांपते हाथों से मोबाइल टॉर्च चालू करने लगी। जैसे ही उसने टॉर्च चालू की, उसकी रोशनी सबसे पहले सामने वाली उस बड़ी सी फोटो फ्रेम पर पड़ी, जिस फ्रेम को आते वक्त दोनों ने खाली देखा था। उस खाली फोटो फ्रेम में अब झूले पर बैठे दादा ठाकुर की तस्वीर शैतानी मुस्कान दे रही थी और अगले ही पल दादा ठाकुर तस्वीर से धीरे धीरे गायब होने लगे और उनके नीचे रखा हुआ झूला बिना हवा के ही झूलने लगा। इस भयानक मंजर को देखकर मिताली की घिघी बैठ गई और आरव बस बेसुध देखता ही रहा। कुछ ही पलों में मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। अब तक उजाले में मिताली और आरव को वहां पर बस एक दूसरे के सांसों की ही आवाज आ रही थी, पर अब अंधेरे में उन्हें और कई सारे लोगों के सांसों की आवाजें सुनाई देने लगी। एक एक करके सभी आवाजें नजदीक आ रही थी और कुछ ही पलों में दर्द भरी चीख के साथ उन दोनों की तस्वीर भी बाकी तस्वीरों के साथ हवेली की दीवार पर टंग गई और दादा ठाकुर झूले पर बैठकर सिगार पीते हुए किसी और मेहमान का इंतजार करने लगे। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।